न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जो ये अपने आप को सबसे शक्तिशाली पार्टी मानते हैं, अगर मेरे तो ये मानना है कि अगर जो सरकार विश्वविद्यालय का एक शासन चुनाव ना करवा पाए तो उनसे ज़्यादा असफल सरकार मैं किसी को नहीं मानती। और ये सबसे दुखदायक चीज़ है कि आप उभरते हुए योग्यता और मेहनत को जब स्वीकार नहीं कर पा रहे, जब आप युवाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, जो कहती है कि हम युवा की सरकार है, हम दलित पिछड़े और महिलाओं की सरकार है, तो जब आप विश्वविद्यालय में एक महिला अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक योग्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप ये दावा भी कैसे करते हैं कि आप दलित महिला और युवा की सरकार है। तो बस आपका यही, मेरा यही कहना है कि मैं वर्तमान सरकार को यही कहूंगी कि आपका जो असली चेहरा है वो युवा भी देख चुका है, हमारी दलित, हमारे दलित समुदाय के लोग भी देख चुके हैं और उभरता हुआ योग्यता भी देख चुका है। तो आपकी अब ये जो दो चेहरा है कि आप एक तरह से हम युवाओं का शोषण भी करते रहते हैं और आके सबके सामने ये भी कहते हैं कि हम युवा के ही देसी हैं, तो आपका ये चेहरा सबके सामने आ चुका है और इसका जवाब हम 2019 में और आने वाले चुनाव में जरूर देंगे। अच्छा अनुज जी, एक बात बताइए, जैसे आगामी चुनाव में सरकार आपकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई थी, वहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान सरकार से ना तो कोई भी वर्ग, चाहे मैं एक धर्म के नाम पे कहूँ या जाति के नाम पे या युवा वर्ग भी कहूँ, तो ये सभी लोग इस वर्तमान सरकार से बहुत दुखी हैं, इनकी नीतियों से बहुत दुखी हैं, जो सरकार आने से पहले जो इनके वादे थे और अब जो सरकार आने के बाद अपने वादों से ये मुकर चुके हैं। जब ये कहते थे कि अब बहुत हुआ गरीबी की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो मैं वर्तमान सरकार से यही, जो वहाँ पे भी यही था कि वहाँ के भी किसान, गरीब गांव के लोग, वर्तमान सरकार भाजपा के सरकार की हर नीतियों, उनकी हर नीति फेल हुई, चाहे वो नोटबंदी का अभी हो, हम लोगों चाहे के वो किसानों के लिए जो नीति हो, यादव जी चाहे वो चीजें हो, तो ये सभी असफलताएं बहुत खुल के सामने आई है। और जो भी आम जनता